सो हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और गाइस, हमने अभी न्यू फ़ोन लिया था, आईफोन, और आपको हमको चलाते हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं और हम ये सर्विस सेंटर में बैठे हैं आईफोन के। आप देख सकते हो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, न्यू फ़ोन में क्यों यार ये सब दिक्कत आ रही है देखो। और इतने में सुरकेश को कोई काम आ गया याद, फिर मार्केट में चलने लगे हम। मार्केट में जाते जाते सुरकेश को बहुत सारी चीज़ों को देख देख के लालच सा आ रहा था। और फिर सुरकेश ने क्या करा, देखा एक आम की रेडी और बोला कि देखो मेरे को कुछ नहीं खिलाओगे तो मेरे को आम तो ले दो। तो फिर मैंने कुछ नहीं, मैंने बोला, मैं बोला चलो ठीक है ले लो। मैं क्या, आम बहुत वैसे भी महंगे हैं, कहाँ लेंगे हम, वापस चले जाएंगे। और भाई ने ऐसे आम का रेट लगाया कि सुरकेश जी ने बोला कि नहीं मेरे को आम चाहिए, और 50 रुपये के सुरकेश ने 3 किलो आम ले लिए। तो हमने आम पैक करा लिया। फिर सुरकेश कह रही मैं आज मैं ब्लॉगिंग करूँगी, तो मैंने दे दिया फ़ोन, ये देखो आप ब्लॉगिंग कर रही हैं। और मैंने बोला चलो आप ट्राई मार के देखो ब्लॉगिंग कैसे करते हैं। तो उन्होंने फ्रंट कैमरे से ब्लॉगिंग करा, देखो कैसा है, लाइक शेयर करके जरूर बताना। और गाइस, इतने ब्लॉगिंग करते करते मैंने सुरकेश का थोड़ा बहुत डर निकाल दिया। फिर सुरकेश ने देखा कि हमने आम तो ले लिया, फिर सामने पेड़ लगा था आम का और हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही थी, ऊपर से एक 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 करके आम गिरी जा रहे थे। तो ये सुरकेश हो गए तैयार, एक एक करके आम चुपते थे, पहले 2 आम गिरे, फिर 3 आम गिरे, फिर 4 आम गिरे। फिर हम जैसे ही 5 मिनट रुके ना, हमारे बीच हमारे पास 10-15 आम हो गए टोटल, और एक एक आम हवा से गिरी जा रहा टूट टूट के। फिर वो बटोरने लगी और आम अंदर से इतने ज़्यादा मीठे थे, और ये आम इतने छोटे से लाए हैं पर अंदर से आप खा के देखोगे बहुत ज़्यादा मीठे हैं। फिर हम गुरुद्वारे में आ गए, गुरुद्वारे में आते ही सुरकेश ने बोला कि चलो ठीक है मेरी यहाँ पे वीडियो बनाओ और मेरा कुछ मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ वो शूट करो। फिर मैंने क्या करा, चलो ठीक है मैं शूट करता हूँ। और मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आपका अंदर का डर भी कम हो जाएगा। सो यार, आप मानोगे नहीं, सुरकेश ने पहली ही बारी में वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया और बहुत ज़्यादा अच्छा दिया। और फिर मैंने बोला चलो ठीक है, फिर मैंने भी कुछ वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी। गुरुद्वारे में हम गए थे, वहाँ पे हमने खाना खाया, भंडारा किया और मट्ठा टेका, तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और इतने में फिर सुरकेश ने बोला कि मैं भी वीडियो में आऊँगी। फिर मैंने बोला चलो ठीक है आप भी आ जाओ। फिर मैं वीडियो में फिर उनको भी लेने लग गया। और फिर हमने वहाँ पे जितनी भी हमने वहाँ पे चीज़ें फेस करी थी, महसूस किया, सारा मैंने वीडियो में शेयर किया। प्लीज़ लाइक शेयर करके मुझे जरूर बताना। और सुरकेश ने बोला आप अपने अपना वीडियो में दिया है तो मैं भी बोलूँगी। इसकी एक चीज़ ये है कि ये बोलती नहीं मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। तो मैं बोलता चलो ठीक है कर लो। और आप वहाँ का माहौल देखो कितना अच्छा लग रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है ना कि यार कि एकदम कितना अच्छा फील हो रहा है। मेरे को यहाँ पे जाने के बाद मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था कि आप तो फिर भी वीडियो में देख रहे हो, और बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। आप कभी यहाँ पे आओगे तब आपको पता चलेगा। आपके यहाँ अगर कोई गुरुद्वारा तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। और गुरुद्वारे में बात ख़त्म हुई नहीं कि फिर से सुरकेश जी ने बोला मुझे कुछ सामान लेना है। वहाँ जा कर के सुरकेश जी ने भाई के इतने कान खाए, और उनको पता था इन्होंने कुछ लेना तो है नहीं, इन्होंने मेरा दिमाग चाटना है। और वो एक एक करके दिखाए जा रहे थे, क्योंकि वो हम लड़कों पे गुस्सा कर सकते हैं, लड़कों पे गुस्सा कोई करता नहीं है ना। तो उसने बोला ऐसा करो, ये देख लो ये देख लो। और बहुत मशक्क़त करने के बाद फाइनली सुरकेश जी को एक पायल पसंद आया, और उसमें भी सुरकेश जी ने लास्ट में भाई को एक कमेंट किया कि भैया हम ये लेने के लिए आपके पास आएंगे जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे। और वो इतना सुन करके उसके कान के अंदर से धुआं निकल गया, पर उसने गुस्सा नहीं किया, वो साइड में होके चुप होके बैठ गया और उसने कुछ नहीं बोला। फिर इतने में बाहर आया, मैंने बोला कि यार चलो ठीक है, हम सारा कुछ A to Z ठीक हो गया। फिर हमने गुरुद्वारे में जाके सब कुछ खा करके बाहर आए, भंडारा किया। फिर सुरकेश कह रही नहीं मैं जाते जाते मैंने एक बार अपने गुरु जी को मट्ठा दूर से टेक के प्रणाम करना है। इतने में ब्लॉग शूट कर ही रहा था कि फिर एक मेरे को देखी एक मुसीबत कि पीछे जो मैंने हेलमेट टंगा रखा है गाड़ी के, उसके ऊपर इतना ज़्यादा कीचड़ लग गया, OMG। और हेलमेट के बिना कोई काम नहीं होता, और यहाँ पे एक आम गिरना स्टार्ट हुआ और ये इनका नाचना ड्रामा स्टार्ट। ये कह रही कि नहीं अगर एक आम गिरा है तो यहाँ पे बहुत सारे आम गिरेंगे, ये देखो। इतने में दूसरा आम गिर गया वहाँ से, अब ये गई दौड़ दौड़ के, ऐसे कर कर के इन्होंने आप मानोगे नहीं 0.5 किलो आम तो यहीं से चख लिए। और मैं परेशान हो ही जा रहा था कि मेरे गाड़ी के ऊपर ये कीचड़ किस तरह लग गया। और फिर इन्होंने माना नहीं, इन्होंने देखा कि 2 ही आम है, चलो मैंने बोला कोई बात नहीं आप थैले में रख लो। इतने में पेड़ से इतने सारे आम गिरे जा रहे हैं कि मैं अपनी वीडियो छोड़ करके कैमरा रख करके मैंने इनके ऊपर इनके साथ कैमरा रख करके इनके साथ आम इकट्ठा करवाने लग गया।
और मैं देख देख के हैरान हो रहा हूँ मेरा हेलमेट कैसे गंदा हो गया। सो गाइस प्लीज़ वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना और वॉच भी करना अपना।